सो हीगा इज़ वंस अगेन वेलकम ऑन माई YouTube चैनल my स्टडी दोस्त कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और देखिए पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इस तरह का कुछ मैं करने वाला हूँ जो आज मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये सब करना है ग्रुप डिस्कशन की तैयारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए पूरा का पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे ये करना है आपको और ई e बुक भी मैंने स्पेशली इस इवेंट पे आपके लिए लॉन्च किया आप सभी को बताया दिवाली फेस्टिवल चल रहा है और इस मौके पे मैंने आप सभी लोगों के लिए ये इसका सेकंड एडिशन तैयार किया है फर्स्ट एडिशन हमने पिछले साल लॉन्च किया था सितंबर के अंदर जब आपका एग्ज़ाम हुआ था और अभी मैं इस ई बुक का सेकेंड एडिशन लॉन्च कर रहा हूँ पिछले एडिशन में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था तो इसी वजह से मैं सेकेंड एडिशन भी इसका निकाल रहा हूँ सेकेंड एडिशन में क्या ख़ास बात होगी ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें बहुत सारे जो नए टॉपिक्स हैं वो ऐड हो गए हैं उसके अलावा प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स में और कुछ करंट के जो सिचुएसन के टॉपिक्स हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं और भी बेटर वे में मैंने वहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है इस बार जो है सॉल्यूशन भी सारे दिए गए हैं पिछली बार क्वेश्चन ही थे और सॉल्यूशन आपको खुद को लिखना था तो इस बार मैंने एक एक सॉल्यूशन भी डाल दिया है और आप खुद भी वहाँ पे देख पाएंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और किस तरह से आपको परचेज़ करना होगा किस तरह से सारा काम होगा पूरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं होप करता हूँ आप सब लोग इसे सपोर्ट करोगे और आप वीडियो पूरा इन्जॉय कीजिए और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा सो इस कवर पेज कुछ इस तरीके का है जो कि मैंने आपको पहले भी शो कर दिया था और इस बार जो है सेकंड एडिशन जो इस पर इस तरह का, का टैग लगा होगा वो ही आपको जो है परचेज़ करना है इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर पहले वाला अगर आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको शू हो सकता बाकी सेकेंड एडिसन यहाँ पर भी लिखा हुआ है और बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी सारा सेम है इसमें सो so जी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पेज होगा आपके लिए उसमें मैंने इंडेक्स पे सारे जो टॉपिक्स हैं लगभग बीस टॉपिक्स मैंने जो हैं, है खुद से तैयार किए हैं आप लोगों के जो प्रीवियस एग्ज़ाम के आप ही लोगों ने खैर बताए थे इसमें मैंने पूरा गाइडलाइन किया था कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो भी बंदा इस भी बुक को बाई कर रहा है सबसे पहले इन तीन पेजेस को जरूर पढ़िएगा जो फर्स्ट के गाइडलाइन के हैं इसमें मैंने बताया कि कैसे तो आपका एग्ज़ाम होगा कैसे आपको इस ई बुक को पढ़ के पाया था लेना क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सारा जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है लेकिन आपको जो है वहाँ पे वर्बली बोलना भी है तो यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि इसका कैसे यूज़ आपको लेना है उसके अलावा जो टॉपिक्स आपके बनते हैं करेंट सिचुएसन पे भी और जैसे आपको देखिए अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है जैसे कि कोविड नाइन्टीन है ये आप देख सकते हैं ई लर्निंग को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उसके अलावा देखिए प्राइवेट ट्रेन के बारे में प्लास्टिक बैंस के बारे में तो इन सभी सिचुएसन के बारे में भी जैसे चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं इनके बारे में भी तो ये करेंट के टॉपिक्स भी बन सकते हैं और जो पहले वाले टॉपिक मोस्टली जो रिवाइज होते हैं अब जैसे देखिए दिवाली चल रहा है इस टाइम पर ये चीज़ जो है ज़्यादा फोकस में आती है फायर क्रैकर्स दिवाली वाला टॉपिक भी इवन बहुत बार पूछा गया है वो सब भी मैंने शामिल किया है तो देखिए इसमें एडिशन टू तो ये है ही इसमें मैंने एडिशन वन को भी रखा है ठीक है एडिशन वन के लगभग कुछ टॉपिक्स तो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं पहले वाले भी लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने इंक्लूड किए हैं अब एडिशन वन के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो बच गए पिछली बार भी बीस टॉपिक्स थे तो उनको भी मैंने साथ में जोड़ दिया तो यहाँ पे फिफ्टी थ्री पेजेस तक तो आपको जो है इस फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन मिलेगा फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट एडिशन को ऐड किया उसके रिमेनिंग जो नो टॉपिक्स थे वो मैंने ऐड किए हैं उसके अलावा मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया कि पिछले साल कौन से टॉपिक बन गए थे ठीक है तो वो टॉपिक भी आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं बाकी बीस टॉपिक तो आपको कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे इस बार मैंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट को इशू हुआ था क्योंकि मैंने उसका फोन साइज बढ़ा करके ई बुक को बड़ा बना दिया था इस बार मैंने 53 पेजेस ही इसलिए रखा है ताकि अगर आप प्रिंट आउट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं जैसे ये फर्स्ट पेज है तो इसमें जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया है तो इसमें देखिए आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में क्या होता है कि पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है वो आपका जो है पूरे पेज पर होगा ये मैंने दो पेज में करके इसको थोड़ा छोटा किया है ताकि आप इसे पढ़ भी पाएँ और प्रिंट आउट चाहें तो निकला पाएँ देखिए ये पेज आपको दिया जाएगा ये आपको पढ़ना होगा फिर उसके बाद में वो आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे तो ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन भी आपको समझाया है और अगर आप इसका प्रिंटआउट लेंगे तो आप यहाँ पे लिखने के लिए मैंने जगह भी दी है ठीक है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और मैंने सारी चीज़ यहाँ पर पूरा तरीके से गाइड किया कि यहाँ पे क्या ऑप्शन रहा है जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा जैसे ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद में आपका जो ओपिनियन वाला पार्ट है ये मैंने डैश डैश करके छोड़ा है ताकि आप यहाँ पे अपना ओपिनियन लिख सकें ठीक है ये आपका काम है उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी ऐड किया इसी जगह पे इसमें देखिए आप सॉल्यूशन में मैंने अपने ओपिनियन से कुछ जो भी मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ जैसे मतलब मैंने रवि चौधरी को एक माना है व्यक्ति कोई भी और ये जैसे जयपुर से निवास करते हैं या ट्वेल्थ क्लास में राजस्थान बोर्ड से इन्होंने अजमेर से किया है इनके फादर का नाम ये है तो ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसकी जगह भी आप अपना खुद का जो है चीज़ पुट कर सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं जैसे हॉबीज़ मैंने यहाँ पे इस मेरी लिख दिया अपने कोई पर्सन की जानने वाले के लिख दी लेकिन आप अपनी हॉबीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस तरह से आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है ठीक है और ये जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ओपिनियन ऐड किया ठीक है ये ओपिनियन आपको खुद का भी होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि कैसे क्या ओपिनियन देना है तो ये मैंने आपको ऐड किया देखिए ये एक फर्स्ट पेज है इसके बाद में भी इसका ओपिनियन का थोड़ा बहुत पार्ट और बचाओ बस इसके बाद में ये एक टॉपिक ख़त्म होता है इसको फिर आपसे रिवाइज़ करना है आपको फिर आप इसको जो है बोल के रिकॉर्ड करके मुझे भी भेज सकते हैं ताकि मैं समझ कि हाँ आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है और कुछ कमी होगी तो मैं बता सकता हूँ ओके okay. तो so, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे भी कर सकते हैं यूट्यूब पे भी तो आप कर सकते हैं बाकी टेलीग्राम पे तो आप जुड़े हुए होंगे ही अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको परचेज़ कैसे करना है सो so, गाइज जैसे ही या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल देना है और उसके अलावा मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा जहाँ से भी आपको मिलता है या आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते इंस्टा मोजो डॉट कॉम स्लैस माई स्टडी दोस्त आप वहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप जो है लिखने के बाद में इस पेज पे पहुँच जाएंगे और उसके अलावा इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और जैसे ही आप इस पेज को देखें तो यहाँ पर जो है नीचे आप इस तरह का पूरा ऑप्शन देखेंगे इसमें पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है अभी दिवाली ऑफर फीस का ऑफर के साथ में इसको सिर्फ थर्टी रुपीज़ रखा गया है बाद में इसका जो प्राइस होगा वही पहले वाला फोटी नाइन रुपीज़ इस बार मैंने रखा है पहले ये फिफ्टी था इस बार फोर्टी नाइन हमेशा के लिए रहेगा कभी भी अगर आप परचेज करना चाहेंगे लेकिन अभी आपको स्पेशली ऑफ़र भी मैं बता देता हूँ ये जो ऑफ़र आपका रहने वाला है ये आपका रहने वाला है तेरह चौदह और पंद्रह इन तीन दिनों तक अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तब आप इसे ओनली थर्टी रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रह रहा हूँ बीस टॉपिक्स हैं प्लस में नौ टॉपिक्स पहले वाले लगभग ट्वेंटी नाइन टॉपिक्स हैं इसके सोल्यूशनस हैं तो सिर्फ एक रुपये एक टॉपिक आप हाँ पे कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है और इसको आप पे कर सकते हैं इसको भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको पे करना जैसे ये इंटरफेस होगा लिंक पे क्लिक करने के बाद में वैसे पहले भी आप लोगों ने बाई किया तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा लेकिन नए कैंडिडेट को बता देता हूँ बाई नो ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको कुछ बेसिक डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये डिटेल्स जो है आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए अगर ये ई बुक आपको सक्सेसफुली नहीं मिल पाता है तो आप मुझे ये डिटेल बता करके अपनी और वापस से इसे प्राप्त कर सकते हैं ये डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे पुराने यूजर जो पहले बाई किए थे उनके लिए कोई खास ऑफर नहीं है क्योंकि ये सेकंड एडिशन है तो सेकंड एडिशन सबके लिए नया है तो यहाँ पे अपने डिटेल सही से भरिएगा उसके अलावा ये आपका अमाउंट होगा उसके बाद में नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट आपका जो है पूछेगा कि किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको देखिए भीम यू पी आई गूगल पे पेटीएम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन से आप यहाँ पे पेमेंट चूज कर सकते हैं जैसे ही आपने पेमेंट सक्सेसफुली किया ये इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड देखिए डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में ये पीडीएफ फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है लेकिन इन केस अगर अब ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट के लिए आप मुझे माई स्टडी दोस्त एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो आप अपना स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए उसको आप मुझे जो है सेंड कर दीजिए और अपनी डिटेल्स बता दीजिए कि सर मेरा नाम ये है मेरा मोबाइल नंबर ये है मैंने ये जी मेल डाला है यहाँ पर आप चेक करके बता दीजिए अगर मेरे को सक्सेसफुली वहाँ पर पे पेमेंट मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर मेल पर भी सेंड कर दूँगा बाकी बहुत कम केसेज में ये होता है अगर थोड़ा सा आप वेट कर लिया करो आपको इंस्टा मोजो की तरफ से ही आ जाता है इस चीज़ का ही इस लिंक का डाउनलोड ऑप्शन का तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन इन केस नहीं होता तो आप इस अश्योरिटी के लिए इसे रख सकते हैं बाद में भी आप आप इसे प्राप्त कर सकते हैं ओके okay, तो ये मैंने आपको बता दिया उसके अलावा बस इतना ही था ये काम आप कर लेंगे उसके बाद आप इसे अपने दोस्तों को भी देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करना है पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा लेकिन उसे शेयर नहीं करना है उसको ये बोलना है कि आप खुद इसे परचेज कीजिए देखिए अगर आप इस तरह से इसे वायरल करके ये सब चीज कर देते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सब सोचिए कि मैंने भी खुद मेहनत किया होगा आप लोगों के लिए अगर अच्छा कंटेंट बनाया हो अगर लगा हो जेनुअन तब तो आप खुद सोचिएगा कि तीस रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप जिंदगी भर याद रखेंगे इस चीज़ को लेकिन इस तरह से प्लीज़ आप मत कीजिएगा होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करें ना करें लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपना ओपिनियन भी जो है आप मुझे बता दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में उसके अलावा कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और बाकी तो आप लोग इसे परचेज कर ही लेंगे और अभी जो है तीन दिनों के लिए स्पेशली देखिए मैंने ऑफर पहले ही कम करके दे दिया है तो आप इसे जो है अभी बाय कर लीजिए तेरह चौदह पंद्रह अब आप कहेंगे सर हमारा तो फेज़ टू का भी पता नहीं कि होगा या नहीं तो देखिए भाई अगर आपको ये लग रहा है ना जैसे मैंने कटोप का वीडियो बनाया था कि आप उसके पास हैं आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जब आपको खुद को लगने लग जाए कि हाँ मेरा सेलेक्टन हो जाएगा तब आप उसे परचेज कर सकते हो बाकी आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद में आपको पता है फेज़ टू का एडमिट कार्ड साथ में आता है तो कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा वो पता नहीं रहेगा तो उस टाइम टाइम नहीं रहेगा इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा तो बस यही कहूँगा कि आप परचेज कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन फ़ेज़ टू का थैंक यू सो मच बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट